ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्णचैतन्या प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान को एक उत्सुकता सदैव रहती कि राधा रानी किस प्रकार का प्रेम मेरे विषय में अनुभव करती है, और इसके कारण वो ये भी देखते थे कि उनके और राधा रानी के प्रेम संबंध में जो आनंद प्राप्त होता है वो राधा रानी को ज्यादा प्राप्त होता है, अधिक मात्रा में अधिक गहराई में राधा रानी उसका अनुभव करती है। उनको ये भी कुतूहल था कि ऐसी मेरे व्यक्तित्व में क्या बात है जो देखकर राधा रानी इतनी आकर्षित रहती है, मेरे प्रति इतनी लालायित रहती है। तो ये सब रहस्य का भेद करने के लिए उन्होंने तय किया कि मैं राधा रानी का भाव लेकर जन्म लूंगा और राधा रानी जो अनुभव करती है उस प्रेम का आनंद का अनुभव करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म या चाहे या उगम या उस संकल्पना का आरंभ इस भावना से हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु का व्यक्तित्व वो उत्सुकता है जो राधा रानी का हृदय जानने के लिए व्याकुल है, और फिर उन्होंने हमारे कलयुग में अर्थात 999 कलयुग कल्प बीतने के बाद जो 1000वां कलयुग आया उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु आए। श्री कृष्ण ने ये भाव धारण करके ये रूप धारण किया और वो अनुभव किया कृष्ण प्रेम का जो राधा रानी अनुभव करती, उस गहराई के दिव्य प्रेम सागर में उन्होंने छलांग लगाई और इसका दिव्य अनुभव किया। और साथ साथ ये अनुभव करते हुए उस प्रेम को उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में सबको बांटा। तो केवल वो निजी उद्देश्य के लिए नहीं आए थे, उन्होंने जो निजी उद्देश्य पूर्ण किया अपने आप को उस अनुभव से संपृक्त किया, वो अनुभव तत्क्षण उन्होंने सब लोगों को बांटा, सबको वितरित किया हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। और यही महामंत्र जो है वो केवल 16 अक्षरों का गठन नहीं है, 16 अक्षरों का गठबंधन नहीं है, ये गोलोक धाम में जो प्रेम का अनुभव सब जीव करते हैं, राधा रानी कृष्ण गोपाल ग्वाल बाल माता पिता गैया ये सभी लोग जिस दिव्य प्रेम का अनुभव करते हैं वही प्रेम ये ध्वनि के रूप में इस 16 अक्षरी महामंत्र के रूप में हमारे लिए प्रस्तुत हो गया है। तो जप करते समय हमें बार बार इस बात का ध्यान करना चाहिए कि हम महाप्रभु के दिव्य हृदय के अंदर के गहराई के प्रेम को इस महामंत्र के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं। हम श्री कृष्ण भगवान के राधा रानी के प्रेम के विषय में जो कुतूहल है उसका अनुभव कर रहे हैं। और सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे स्वर्ग के स्वर्ग लोकों के जितने देवता हैं जिन्हें ये अनुभूति हो चुकी है कि हमारा जीवन भगवत धाम में जाने के लिए है, हमारा जीवन भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए है, ऐसे सारे देवता लाइन में खड़े हैं कलयुग में वैष्णवों के घर में जन्म लेने के लिए। इसलिए जो वैष्णव जप करते हैं उनके घर में जो बालक आते हैं वो सारे देवता होते हैं, दिव्य गुण वाले होते हैं, दैविक गुण वाले होते हैं, सारे देवता भक्त नहीं होते हैं, अधिकतर देवता भोग के लिए वहां पर जाते हैं, लेकिन वहां पर भी नारद मुनि अगस्त्य मुनि
प्रचार करते रहते हैं, उनके प्रचार करने के बाद उसके प्रभाव से जो ये अनुभूति प्राप्त करते हैं, वो सारे लोग हम और आप जैसा जन्म चाहते हैं। कृपया ध्यान दीजिए इस बात पर, जो हमें पहले से ही प्राप्त है। हम इस कलयुग में पहले से ही मनुष्य बनकर फिर वैष्णव बने हुए हैं, तो हम जैसे वो बनना चाहते हैं, जो हम पहले से ही प्राप्त कर चुके हैं। कमी केवल इस बात बात की है कि हमारा हमारी जो स्थिति है, जिसको प्राप्त करने के लिए देवता लालायित है, उस स्थिति का हमें परिपूर्ण लाभ लेना चाहिए, परिपूर्ण लाभ लेने का प्रयत्न करना चाहिए। पूर्ण अनुभूति, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण महिमा के जानकारी के साथ हमें हमारे जन्म की जो महिमा है उसको जानना चाहिए, और उस जानकारी के साथ, अनुभूति के साथ, साक्षात्कार के साथ हमें सब लोगों को जप करना चाहिए। तब जाकर महाप्रभु के हृदय के अंदर का जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम जो अनुभव कर रहे हैं, वो उसका अनुभव हमको भी होगा। एक अवतार खर्च किया है प्रभु ने हमारे इसको जानने के लिए, और जान करके बल अपने पास नहीं रखा है उसको, उसी प्रेम को संपृक्त रूप में, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में हम सबको सुपुर्द किया है, सबको ये परम प्रेम की भेंट दी है। तो आइए इस अनुभूति के साथ हम रोज जप करें, ताकि चैतन्य महाप्रभु का ये जो प्रयोजन है अवतार लेने का, वो भी परिपूर्ण हो जाए, उसका उद्देश्य भी उनके लिए हमारे जीवन में सफल हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।